हेलो एंड नमस्कार मित्रों, डाइवर्सिटी ऑफ भारत के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। महंत दिग्विजयनाथ की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके नाम पर स्थापित महंत दिग्विजयनाथ पार्क का उद्घाटन और पार्क में लगी उनकी 12.5 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है। गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर रहे ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 52वीं पुण्यतिथि पर महंत दिग्विजयनाथ पार्क का उद्घाटन और इसके साथ बने स्थायी मंच का लोकार्पण भी हुआ है। आइए हम आपको ले चलते हैं पार्क के दूसरे हिस्से में। आप जो दीवारों पर ये पेंटिंग देख रहे हैं, ये एक म्यूरल पेंटिंग है। म्यूरल पेंटिंग के माध्यम से महंत दिग्विजयनाथ की जीवन यात्रा को पार्क की दीवारों पर दर्शाया गया है। इसके अलावा उनका जीवन काल राष्ट्र धर्म अध्यात्म के प्रति समर्पित था। राम मंदिर के प्रति उनका संघर्ष भी दिखाया गया है। पार्क की खूबसूरती और बढ़ाने के लिए ऑर्नामेंटल लाइटें भी लगाई गई हैं। इसके साथ पार्किंग और ओपन जिम की सुविधा भी दी गई है। यह पार्क रामगढ़ ताल के समीप स्थित है और इसका निर्माण गोरखपुर विकास प्राधिकरण GDA ने कराया है। जयपुर के कलाकारों द्वारा पत्थर पर सुंदर कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। स्टील की रेलिंग व पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं, जिससे इसका दृश्य और मनमोहक हो जाता है। महंत दिग्विजयनाथ पार्क को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में पार्किंग की सुविधा दी गई है, दूसरे हिस्से में पाथवे और ओपन जिम की सुविधा दी गई है, साथ में ऑर्नामेंटल लाइटें और फूल पौधे भी लगाए गए हैं। तीसरे हिस्सा जो मुख्य हिस्सा है, वहाँ कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिएगा ढेर सारा लाइक एंड ढेर सारा शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।